हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे राजनीतिक या फिर पॉलिटिकल जीके के बारे में। ठीक है, तो इसमें अभी तक हम लोग 500 क्वेश्चंस ख़त्म कर चुके हैं। आज बात करेंगे 501 से। ठीक है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तथ्यों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? भारतीय संविधान में जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आपको कहाँ से लिए गए हैं? तो ये याद रखना, आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो याद रखना, समाजवादी है, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है, पंथ निरपेक्ष भी है। क्या है? लोक कल्याण नहीं है, यानी कि इसमें सी होगा। क्वेश्चन नंबर दो में क्या होगा? सी। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो याद रखना, डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा चार, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन है हमारा पाँच, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है छठवा, क्या है? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव आपके 1946 में हुए थे। कब? 1946 में। क्वेश्चन है हमारा सात, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो आपको बता देना है, अमेरिका से। ए ऑप्शन सही है। भारत के नागरिकों को किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? एकल नागरिकता, एक ही प्रकार की। ठीक है, भारत में एकल प्रकार की नागरिकता है। क्वेश्चन है नौ, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है। ठीक, 10 क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है? तो याद रखना, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 11, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 11 हमारा, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वाद योग्य नहीं है। ठीक, याद रखिए, वाद योग्य नहीं है। सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है 12, क्या है क्वेश्चन आपका? 12 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है? एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 13, क्या है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों की प्रत्यय पत्र जिसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति। 13 का होगा सी। 13 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन है 14, क्या है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया है? तो आपको बता देना है, एम हिदायतुल्ला। क्या है? एम हिदायतुल्ला। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 15, क्या है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? तो याद रखना, मोरारजी देसाई के। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 16,
क्या है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे? तो ये याद रखना, मनमोहन सिंह नहीं रहे, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है 17, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल। डी ऑप्शन सही है, क्या है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 18, क्या है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल सलाह देता है। क्वेश्चन है 19, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, कौन होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी। क्वेश्चन है 20, क्या है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो याद रखना, यह है सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। क्वेश्चन है हमारा 21, क्या है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो आपको बता देना है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, जब राष्ट्रपति भी ना हो उपराष्ट्रपति भी ना हो, ये दोनों पद खाली हो, तो आपका राष्ट्रपति के पद पर होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। क्वेश्चन है 22, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 23, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो याद रहा, प्रधानमंत्री की। क्वेश्चन है हमारा 24, क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति आपकी राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो याद रखना, गवर्नर को, राज्यपाल को, ठीक है। क्वेश्चन 26, क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो अधीनस्थ न्यायालय का। क्वेश्चन है हमारा 27, राज्य की विधानसभा के सत्तावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्य की विधानसभा के सत्तावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल साहब के द्वारा। क्वेश्चन है 28, योजना आयोग एक है, असंवैधानिक निकाय था, ठीक है। क्वेश्चन है 29, योजना आयोग का स्वरूप क्या था? तो इसका था एक परामर्शदात्री संस्था थी। क्वेश्चन है 30, पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता था, कौन देता था, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन है हमारा 31, योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता था? योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता था? तो आपको बता देना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 32, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, किसकी होती थी? तो योजना आयोग की। याद रखिए, फिर से बता देता हूँ, योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग आ गया है, ठीक है, प्रतिस्थापित करके, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग आ गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आते रहते हैं इससे, क्योंकि सबसे पहली निकाय थी और 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली अपने देश में, तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि अब नीति आयोग इसकी जगह पर आ चुका है। क्वेश्चन है हमारा 33, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो याद रखना, वित्त आयोग। क्वेश्चन है 34, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट साहब। क्वेश्चन है 35, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है वित्त आयोग की सिफारिश पर,
क्वेश्चन है 36, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक निकाय नहीं है? तो ये योजना आयोग आपका सांविधिक निकाय नहीं था, ठीक है। वित्त आयोग है, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है और राष्ट्रीय महिला आयोग भी है। क्वेश्चन है हमारा 37, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? प्रजातंत्र, प्रजा का राजतंत्र। क्वेश्चन है 38, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? याद रखना, कनाडा ने। किसने? कनाडा ने। क्वेश्चन है 29, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को किस तरह से वर्णित करता है? राज्यों का संघ, सी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में राजनीति निदेशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए? तो याद रखना, पहले भी बात कर चुके हैं, आयरलैंड से, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 41, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? क्या है? राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति साहब को। 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित करता है राष्ट्रपति साहब। क्वेश्चन है 42, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो याद रखना, नरगिस दत्त। क्वेश्चन है 43, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन 44, क्या है? भारतीय संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 45, क्या है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति का, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है यार 47, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन है 48, संसद के दोनों सदनों में के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को आपका राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिए। क्वेश्चन है 49, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो यह थे आपके के एस हेगड़े, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 50, लोकसभा महासचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, स्पीकर द्वारा, सी ऑप्शन सही है। 51, क्या है क्वेश्चन? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, अनंत सैनम आयंगर, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 52, क्या है? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो याद रखना, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन है हमारा 53, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री। क्वेश्चन है आपका 54, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखना, राष्ट्रपति साहब। क्वेश्चन है हमारा 55, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। क्वेश्चन है हमारा 56, क्या है? प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो आप सभी को पता होगा, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन है हमारा 57, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो ये थी आपकी इंदिरा गांधी साहब। क्वेश्चन है
58 सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं, राजीव गांधी साहब। कौन है? राजीव गांधी साहब। क्वेश्चन है हमारा 59, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक संविधान है भारत का, ठीक है। क्वेश्चन 60, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। क्वेश्चन है 61, क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान को कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो याद रखना, संसदीय प्रणाली। कौन सी? संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन है 62, क्या है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो ये पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं शामिल है। प्रांतीय समूहीकरण, संविधान निर्माण का अधिकार, भारतीय सदस्यों का वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये सही है, लेकिन इसमें सी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? सी। क्वेश्चन है 63, भारतीय को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? ये जानी गई है माउंट बैटन योजना। सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है आपका 64, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन है 65, क्या है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन है 66, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन है हमारा 67, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में, किसमें? संविधान में। क्वेश्चन है हमारा 68, क्या है? किसी वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है? केशवानंद भारतीवाद में। क्या होगा 68 का? डी। क्वेश्चन है 69, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो याद रखना, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो पहले ही आपका संपत्ति का मौलिक अधिकार अधिकार था, लेकिन ये आपका 48वें संविधान संशोधन द्वारा, सॉरी, आपका जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था ये? 1978 में, ठीक है। तो इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मूल अधिकारों में से, अब स्वतंत्रता का, समता का अधिकार बचा हुआ वो बाकी 6 हैं, ठीक। क्वेश्चन है हमारा 71, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भारत के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो आपको बता देना है 36 से 51, 36 से 51। क्वेश्चन है 72, क्या है? संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो यह आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन है 73, क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक सिद्धांत हैं, प्रशासनिक सिद्धांत भी हैं, सामाजिक सिद्धांत हैं। इसमें हो गए आपके तीनों हैं, मतलब ये सभी, ठीक है। क्या होंगे? तीनों सही होंगे। क्वेश्चन है 74,
क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 75, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन है 76, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन है 77, क्या है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किस में निहित है? तो याद रखना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेनदेनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो यह आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन है 79, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो यह आपका संघ तथा राज्य सरकार के लिए। याद रखिए आपकी जो भी PDF होती हैं, चाहे वो PDF हो या अन्य, वो सभी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती हैं, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करते रहिए। क्वेश्चन है 80, लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना है? तो यह आपका कार्यपालिका के। क्वेश्चन है 81, क्या है, भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण के किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो नियंत्रक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 82, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो याद रखना 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ठीक। क्वेश्चन है 83, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो याद रखना 148, किसमें, 148 में। क्वेश्चन है हमारा 84, किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये थे आपके ए के चंद्रा, ठीक है। क्वेश्चन है 85, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति जी को? क्वेश्चन है 86, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो याद रखना लोक लेखा समिति, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 87, निम्नलिखित में से किस समिति के सदस्य राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं? तो यह आपकी प्राकलन समिति, इसमें केवल लोकसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं। क्वेश्चन है हमारा 88, निम्नलिखित में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए एक समय का निर्धारण करती है? कार्य सलाहकार समिति। क्वेश्चन है हमारा 89, संयुक्त फिरवा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखना 45। क्वेश्चन है हमारा 90, लोकसभा किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो याद रखना नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन है 91, सार्वजनिक लोकालेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखना 7, कितने, 7। क्वेश्चन है हमारा 52, प्राकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखना 30, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 93, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन है 94, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? तो ये रखना यार, संसद की नियम समिति,
बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 95, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायालय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो याद रखना भाग 5 में, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 96, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो याद रखना सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन है हमारा 97, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो याद रखना इसमें भी आपका सर्वोच्च न्यायालय, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 98, क्या है? निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में, ठीक है। क्वेश्चन है 99, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो याद रखना 7, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 600वां, क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो याद रखना संसद के, किसके पास है? संसद के। क्वेश्चन है हमारा 601वां, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो पहले भी बात कर चुके हैं, राष्ट्रपति। क्वेश्चन है हमारा 2वां, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति साहब। क्वेश्चन है 3रा, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति साहब। क्वेश्चन है 4, क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किस से परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 5वां, प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल देख चुके हैं, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। पहले भी हम इस तरह का क्वेश्चंस देख चुके हैं। क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक एवं नियंत्रण एवं पर्यवेक्षक करता है? तो याद रखना भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन है 8, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन से, पर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 9, क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेता है? जी हाँ, लेता है। क्वेश्चन है 10, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत 1991 में हुई, क्या है? 1991, सी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 11, क्या है? संसदीय समिति प्रणाली के तहत अप्रैल से कितने समिति ने कार्य करना शुरू किया? 17। क्वेश्चन है हमारा 12, निम्नलिखित में कौन स्थायी समिति है? प्राकलन समिति भी है, लोकलेखा समिति भी स्थायी समिति है, नियम समिति भी स्थायी समिति है, मतलब इसमें डी होगा, ए सभी। क्वेश्चन 13, प्राकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? पहले भी बात कर चुके हैं, 30 सदस्य, ये सभी लोकसभा से होते हैं, ठीक। क्वेश्चन है 14, संसद के निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? तो याद रखना प्राकलन समिति की। क्वेश्चन है हमारा 15, विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? कोई निश्चित नहीं। क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? प्राकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, लोकलेखा समिति, ये सभी। इन सभी समितियों का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है, याद रखना। क्वेश्चन है 17, भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान
है उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में, इन सभी में। ठीक है, डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है 18, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो याद रखा फ्रांस। क्या होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 19, लाभ का पद परिभाषित हुआ है, लाभ का पद आपका परिभाषित हुआ है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन है 20, जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय, दोनों में। सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है 21, क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया बी ऑप्शन सही है। तो ये थे आपके पॉलिटिकल जीके या फिर कह लो राजनीतिक से संबंधित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, 621 तक हम लोगों ने बात की। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग अन्य सब्जेक्ट से लाते रहेंगे, फिर चाहे वो इकोनॉमिक्स जीके हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री। ठीक है।